करिश्मा पनियापुर गांव में पान बेचा करता था। अरे मीठा कड़क पान खा लो, भीष्मा का पान खा लो। तभी एक ग्राहक भीष्मा के पास आकर कहता है, अरे भीष्मा भैया, तोहरे पान की तारीफ तो काफी दूर दूर तलक सुनी है। अरे ऐसन कोनो हूँ बात नहीं भाई, बस मैं पान अच्छा बनाता हूँ और ग्राहकों को खुश करता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा पान खाकर खराब मूड भी अच्छा हो जाता है, तो लियाओ एक पान और कर दो हमारा मूड अच्छा। भीष्मा ने उस ग्राहक को पान बनाकर दे दिया। ग्राहक पान खाकर खुश हो जाता है। वाह भीष्मा भैया वाह, मजा आ गया। अब तो मैं रोज रोज तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ पान ही खाया करूँगा। वैसे कितने रुपए हुए? भैया 20 रुपए, और जगह तो पान 10 रुपए का चल रहा है। अरे भैया ये पान हम किसी मामूली व्यक्ति के खेत से नहीं लाते, चंदन भैया का नाम तो सुना है ना? अरे अरे उन्हें कौन नहीं जानता, ये लो 20 रुपए। ग्राहक 20 रुपए देकर वहाँ से चला गया। शाम को भीष्मा अपनी दुकान बंद करके घर चला आया और अपनी पत्नी बिंदिया के हाथ में रुपए रखते हुए बोला, आज पूरे 20 की बिक्री हुई है बिंदिया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर चंदन भैया का हाथ हमारे सर पर नहीं होता तो हमारा क्या होता। तुम सही कहती हो बिंदिया, चंदन भैया बहुत ही अच्छे इंसान है। अगर वो हमारी सहायता नहीं करते तो हम कहीं के नहीं रहते। क्या तुम जानती हो बिंदिया, वो आज भी मुझे मुफ्त में ही पान देते हैं। तभी भीष्मा की 15 वर्षीय बेटी अंजू भीष्मा से कहती है, पिताजी आप तो मुझे चंदन चाचू से मिलवाने वाले थे, चलिए ना पिताजी, चंदन चाचू को देखने का बड़ा मन कर रहा है। भीष्मा अपनी पत्नी से कहता है, देख रही हो बिंदिया, सीधे सीधे ये नहीं बोल रही कि इसका चंदन चाचू की हवेली देखने का मन कर रहा है। ये सुनकर अंजू और बिंदिया हंसने लगी। अगले दिन भीष्मा अपने परिवार को चंदन की हवेली ले गया। चंदन अपनी हवेली के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। भीष्मा के परिवार को देखकर वो खुश हो गया। अच्छा किया भीष्मा जो तुम अपने परिवार को यहाँ ले आए, इसी बहाने हमारी अंजू बिटिया का मन भी बहल जाएगा। आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी मालिक। कितनी बार कहा है कि मुझे मालिक मत बोला कर, सबका मालिक एक ही है ऊपर वाला। लेकिन मैं तो आपको ही मालिक बोलूंगा। बताओ क्या बात करनी है? जब तक मैं गरीब था आपने पान के पैसे मुझसे नहीं लिए, मगर अब मैं पैसे देने में सक्षम हूँ। अब मुझे रोज रोज आपके खेत से मुफ्त पान ले जाने में शर्म आती है। अरे कैसी शर्म भीष्मा, तू तो मेरे छोटे भाई की तरह है, और छोटे भाइयों से क्या पैसे लिए जाते हैं। भीष्मा कुछ देर अपने परिवार के साथ वहाँ बैठ कर अपने घर चला आया। भीष्मा के जाते ही चंदन का छोटा भाई मंजीत वहाँ जाकर गुस्से से चंदन से कहता है, एक तो वैसे भी तुम मेरा पान का खेत हड़प कर बैठे हो, और ऊपर से मेरे पान उस भिखारी को मुफ्त में बांट रहे हो। जरा तमीज से बात करो मंजीत, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अरे काहे के बड़े भाई, अगर बड़े भाई हो तो मेरा पान का खेत मुझे वापस कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मंजीत, वसीयत के मुताबिक पिताजी ने खेत और हवेली मेरे नाम की है, और वैसे भी मैं तुम्हें पान का खेत दे भी देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उसे बेचकर सारे पैसे जुए में उड़ा दोगे। मंजीत पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया और अपनी पत्नी से बोला, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अजी आपसे कब से बोल रही हूँ कि आप गांव के दबंग चौधरी साहब से मदद मांगिए, सुना है कि वो आपके बड़े भाई चंदन को पसंद नहीं करते। शायद तुम सही कहती हो, मैं आज ही चौधरी से बात करता हूँ। मंजीत उसी दिन चौधरी की हवेली चला गया और सारी बात बताते हुए बोला, बस किसी भी तरह आप पान का खेत मेरे नाम करवा दीजिए, मगर मुझे हिस्सा चाहिए। मुझे मंजूर है। तो फिर कल का इंतजार करो और देखो मैं किस तरह से तुम्हारे बड़े भाई चंदन को उसकी ही हवेली से धक्के देकर बाहर निकालता हूँ।
अगले दिन चौधरी एक वकील को और पुलिस वालों को चंदन की हवेली जाकर चंदन से कहता है, तुम्हारे पिताजी के असली वसीयत के कागजात मिल गए हैं चंदन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी एक पुलिस वाला चंदन से कहता है, मैंने छानबीन पूरी कर ली है। वसीयत के मुताबिक हवेली और पान के खेत का मालिक तुम्हारा छोटा भाई है। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी साजिश है मंजीत, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब सब कुछ जानते ही हो तो यहाँ से निकल जाओ। जाने से पहले मैं पान के खेत से कुछ लेना चाहता हूँ। जो लेना है जल्दी लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। चंदन अपने पान के खेत में चला गया। तभी उसकी नजर लाल रंग के पान पर पड़ी। चंदन ने मुस्कुराते हुए उस पान के पत्ते को उठा लिया और सीधे भीष्मा के घर पहुंच गया और भीष्मा को सारी घटना बताई। कौनो बात नहीं, मेरा घर है ना, और सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है मालिक, आप मेरे पास रहिए। नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ भीष्मा। इतना कहकर चंदन ने वो लाल पान का पत्ता भीष्मा को पकड़ा दिया। अब तुम पनियापुर गांव में मेरे पान के खेत के पान नहीं भेज पाओगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जितने भी पान की आवश्यकता पड़े तुम इस लाल पान से बोल देना। इतना कहकर चंदन बड़ी तेजी के साथ वहां से चला गया। तभी उसकी पत्नी बिंदिया वहां पर आकर कहती है, क्या हुआ, मालिक अंदर क्यों नहीं आए? भीष्मा अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। उनके छोटे भाई ने उनके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। अगर मालिक ने कहा है कि आपको पान की आवश्यकता हो तो आप इस लाल पान से बोल देना, तो बोल कर देखिए। भीष्मा पान के पत्ते की ओर देखकर कहता है, मुझे अब लाल पान की आवश्यकता है, ताकि मैं लाल पान पनियापुर गांव में बेचकर मालिक की हवेली और पान का खेत खरीद सकूं। अगले ही पल भीष्मा अपने परिवार के साथ स्वयं को लाल पान के गांव में पाता है, जहां पर खेत, मकान और हर वस्तु लाल पान की ही बनी हुई थी। ये हम कहां आ गए, इस गांव में तो हर वस्तु लाल पान की बनी हुई है, और तो और यहां की सड़क भी लाल पान की ही बनी हुई है। इसका मतलब मालिक पहले से जानते थे कि इस लाल पान का रहस्य क्या है। मालिक आपको कितना चाहते हैं, अगर वो चाहते तो खुद यहाँ पर आ सकते थे। तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आकर खड़ा हो गया और भीष्मा से बोला, हमारे जादुई लाल पान के गांव में तुम सबका स्वागत है। तुम जितने भी पान चाहो यहाँ से ले जा सकते हो, बस अपने हाथ में पकड़े हुए पत्ते से कह देना कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो। भीष्मा ने लाल पान के खेतों से बहुत सारे लाल पान ले लिए और लाल पान के उस पत्ते की ओर देखकर बोला, अब मैं अपने परिवार सहित अपने गांव पनियापुर जाना चाहता हूँ। अगले ही पल भीष्मा अपने परिवार के साथ वापस अपने गांव में आ जाता है। कुछ ही महीनों में भीष्मा के लाए हुए लाल पान आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गए और मानो उसके ऊपर धन की वर्षा होने लगी। काफी समय बाद बिंदिया अपने पति भीष्मा से बोली, हमारे पास अब इतना धन एकत्रित हो गया है कि अगर हम चाहें तो अपने मालिक की पान का खेत और मालिक की हवेली छुड़वा सकते हैं। तुम सही कहती हो, मैं आज ही मालिक के छोटे भाई के पास जाता हूँ। शाम को भीष्मा चंदन की हवेली में पहुँच गया, मगर उसने वहाँ मंजीत को नहीं देखा बल्कि चौधरी को देखा। मैं इस हवेली को खरीदना चाहता हूँ। इस हवेली के नए मालिक मंजीत जुए में मुझसे ये हवेली और अपना पान का खेत हार चुके हैं। अब ये हवेली और पान का खेत मेरा है। तो मैं तुम्हें इस हवेली और पान के खेत की दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। दोगुनी कीमत की बात सुनकर चौधरी तुरंत तैयार हो गया और उसने पैसे लेकर हवेली और पान का खेत भीष्मा को दे दिया और अपनी हवेली में जाकर अपने आप से बोला, मूर्ख कहीं का,
अरे हवेली और पान का खेत तो अभी भी चंदन के ही नाम पर है। मैंने तो झूठी वसीयत के कागज बनवाए थे और अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उनकी दोगुनी कीमत भी हासिल कर ली। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये भीष्मा लाल पान लाता कहाँ से है, और इसके लाल पान तो दूर दूर इलाकों में प्रसिद्ध है। मुझे उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। चौधरी उस दिन के बाद से भीष्मा के ऊपर नजर रखने लगा। एक दिन उसने भीष्मा को उस लाल पान के पत्ते के जरिए गायब होते हुए देख लिया। अरे बाबा, ये क्या रहस्य है, मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर ये गायब होकर जाता कहाँ है। अगले दिन भीष्मा उस जादुई लाल पान के पत्ते को पकड़कर जादुई लाल पान के गांव में जाने ही वाला था कि तभी चौधरी वहां आ धमका। उसने उस लाल पान के पत्ते को छीन लिया। अचानक चौधरी और भीष्मा अपने आप को उस लाल पान के गांव में पाते हैं, मगर भीष्मा जहां उस जादुई पान के गांव में आजाद खड़ा था, तो वहीं चौधरी पिंजरे के अंदर खड़ा था। ये सब क्या है भीष्मा, ये कौन सा गांव है? यहाँ पर तो हर वस्तु लाल पान की दिखाई दे रही है, और मैं पिंजरे के अंदर क्यों बंद हूँ? तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आकर चौधरी से कहता है, तुमने गलत इरादे से इस लाल पान के पत्ते को इस सीधे साधे व्यक्ति से छीना है। अब तुम हमेशा के लिए इसी पिंजरे में कैद रहोगे, मगर यहाँ नहीं बल्कि हमारे जादुई पान की जेल में। अगले ही पल चौधरी ने अपने आप को जेल में पाया। भीष्मा अपने घर पर वापस आ गया। मालिक, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। भीष्मा, मुझे पता था कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम मुझे मेरी हवेली और पान का खेत जरूर वापस दिलाओगे। मालिक, लेकिन वो जादुई लाल पान का पत्ता तो आपका था ना? बरसों पहले वो पत्ता मुझे मेरे पिताजी ने दिया था और उस जादुई लाल पान के गांव के रहस्य के बारे में बताया था, मगर साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि उस लाल पान के जादुई गांव से लाल पान सिर्फ वही ला सकता है जिसका मन साफ हो, और इस गांव में तुमसे ज्यादा मन किसका साफ हो सकता है। जब भी तुम्हें अपने जीवन में कोई भी तुम्हारे जैसा व्यक्ति मिले, तब तुम इस पान के पत्ते को उस व्यक्ति को दे देना। इतना कहकर चंदन वहां से चला गया, और भीष्मा आज भी लाल पान को गांव में लाकर बेचता है। अक्षरपुरी गांव में मंगरू अपनी माँ माया के साथ रहा करता था। इस गांव में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हर इंसान को थी, मानो ये अब पुश्तैनी देन हो गई हो। आज मंगरू अपनी 60 वर्षीय माँ को व्हीलचेयर पर बिठाकर बढ़ई के दुकान ले जा रहा था। क्या हाल चाल है मंगरू, आज माताजी के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, आपने ये जो व्हीलचेयर हमें दी है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसे बनवा के, और ये फिर खराब हो गई। पूरा गांव भी तो यही इस्तेमाल कर रहा है। तुमने खरीदी थी 2 साल पहले, तो अब खराब तो हो ही जाएगी ना। बेटा बढ़ई, तुम्हारे पिता जो व्हीलचेयर बनाते थे वो तो इतने मजबूत होते थे कि 2 पुश्तें इस्तेमाल कर ले। वो क्या है ना, वो पिताजी बनाते थे चाची। देखो भैया, ना लेना है तो बता दो, वरना जब पैसे होंगे तब आ जाना। चलो मंगरू, और परेशान करना ठीक नहीं। दोनों वहां से सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। आओ मंगरू। प्रणाम माता जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अभी बढ़ई के दुकान से लौटे हैं, कोई मदद नहीं मिली। अगर हो सके तो कोई पुराना व्हीलचेयर हो तो मुझे दे दो। आप चिंता ना करें, इस साल जो व्हीलचेयर बांटेंगे ना, उसमें से मैं आपको भी एक दे दूंगा। सरपंच जी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या बात है? जब तक हम इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मंगरू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम सब जवान खून हो, कोशिश करना कि तुम्हारी आयु में इसका कोई ना कोई उपाय कर लो। ठीक है सरपंच जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मंगरू अपने घर की तरफ लौट जाता है।
बढ़ई जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए खराब व्हीलचेयर बना रहा था, उससे मंगरू बहुत ही निराश था। रात हो चुकी थी और माया के सोते ही मंगरू नदी किनारे टहलने चला जाता है। मंगरू नदी किनारे बैठकर पत्थर मार रहा था और खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस गांव में, आयु 50 पहुंची नहीं कि लोगों की हड्डियां जवाब दे देती हैं, और वो बढ़ई लोगों की जरूरत है तो चीजों को जानबूझ के ऐसे बनाता है कि जल्दी खराब हो जाए और लोग उससे बार बार खरीदें। तभी नदी से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कौन है, क्या हुआ? चिल्लाते हुए वो आवाज बाहर आ जाती है और पता चलता है कि कोई घायल मगरमच्छ है जिसके पैरों में मछुआरों का कांटा घुसा है। अरे मोरी मैया, ये क्या है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मंगरू को बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मगरमच्छ की पीड़ा दूर करने के लिए चला जाता है। मंगरू मगरमच्छ के पैरों से वो कांटा निकाल देता है और एक कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लो, अब राहत होने में थोड़ा समय लगेगा। तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर जल कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मंगरू से मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक जल कन्या हूँ। मुझ पर एक बहुत ही बड़ा श्राप था। मैंने अपने रूप के अहंकार में एक ऋषि को क्रूर बातें कही थी और उनका अपमान किया था। तब से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि मेरा भयानक मगरमच्छ जैसा चेहरा हो जाएगा और कोई बहुत ही साहसी और नेक इंसान होगा जो कि इस रूप को देखकर भी मेरी मदद करेगा, तब मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। साहस, धीरज, शील सब है तुम में। इन सब गुणों से खुश होकर मैं तुम्हें एक इच्छा मांगने का अवसर देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता देवी, पर आप यदि चाहें तो इस गांव में जो रोग लगा है हड्डियों का, वो हर ले तो अच्छा रहेगा। स्वार्थ रहित भी हो, ठीक है। तथास्तु, तुम्हारे घर के पास एक कुआं आ जाएगा। उस कुएं में केवल दूध से बनी चीजें तुम अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। पर उससे गांव की मदद कैसे होगी देवी? दूध पहले से ही हड्डियों के लिए फायदेमंद है, मगर ये दिव्य दूध, चाहे इसे पियो या इसके इर्द गिर्द भी रहो, तो वो सारी दिक्कतें जड़ से खत्म कर देगा। ध्यान रहे मंगरू, ये तुम्हारे गुण देखकर मैंने तुम्हें दिया है। इसका इस्तेमाल केवल तुम्हारी इच्छा से ही हो सकता है। अब मैं विदा लेती हूँ, कल्याण हो। मंगरू बड़ी ही खुशी से अपने घर पहुँचा और पाया कि वहाँ पर एक कुआं है और उसमें सफेद दूध है। जय हो देवी की। अगले दिन मंगरू पंचायत बुलाता है और सभी मंगरू के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के साथ सरपंच, बढ़ई और सोमनाथ मिस्त्री भी मौजूद था। आप सभी का स्वागत है, मैंने आपको एक विशेष कारण से बुलाया है। सुनने में तो बहुत ही विशेष लगता है, पर आखिर बात क्या है? जिस हिसाब से बता रहे थे उतनी ही विशेष बात हो तो अच्छा होगा, अपना कीमती समय यहाँ जो दे रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल विशेष है। ये जो कुआं देख रहे हो ना, एक जलकन्या ने गांव की परिस्थिति को समझकर ये दूध का कुआं दिया है। यह मेरी इच्छा से जो भी दूध के पदार्थ मैं इस कुएं से निकालूं, उसके इर्द गिर्द रहकर पूरे गांव की हड्डियां ठीक हो जाएंगी और ये पुश्तैनी बीमारी गायब हो जाएगी। मजाक है क्या? यही विशेष बात थी जिसके लिए बुलाया था हमें। मैं जानता हूँ कि यह वरदान और श्राप की बातें मानना मुश्किल है। आप लोग खुद उस कुएं के दूध से दूध को चख कर देख लीजिए। मंगरू की बात सुनकर सभी गांव वालों ने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि सही में उस कुएं में दूध है। सब चकित रह गए। फिर मंगरू ने बाल्टी से दूध निकाल कर सबको दूध पिलाया। मेरी उम्र भी अब उस रेखा को पार करने वाली थी जहां मेरी हड्डियां जवाब दे दें, पर इस दूध को पीते ही थोड़ा असर जरूर महसूस हुआ। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम मंगरू की बात मान ले तो
तो हमें इस पुश्तैनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सोमनाथ, और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हर घर को इस दूध से बने हुए पनीर से बनाएं। मेरी इच्छा से ये पनीर के रूप में बाहर आएगा और ठोस हो जाएगा। ठीक है मंगरू। सभी बड़े खुश थे और अगले ही दिन सब मिलकर घर में पनीर बनाने लगे। मानो गांव में खुशी की एक नई लहर आई हो, मानो गांव के लोगों में एकता का जन्म हुआ हो। हर कोई देखना चाहता था कि पुश्तों से चली आ रही इस बीमारी का अंत कैसा होगा और वो कितना सुगम होगा। मिस्त्री और सरपंच मंगरू के घर बैठे थे। माया भले ही डंडे की मदद से चल रही थी, पर अब वो चल पा रही थी। मात्र 2 महीनों में इतना सुधार हुआ है कि पूछो मत। हाँ सरपंच जी, अगर सब ठीक रहा तो मात्र 2 साल में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो बढ़ई, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कहता है कि मैं गांव की मदद ना करूं। बचपन की दोस्ती की कसमें देना और उससे काम ना बना तो नाता खत्म करने की धमकियां देने लगा। ये तो चिंता की बात है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है सरपंच जी? तुम भोले हो बेटा मंगरू, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। अगर सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। मंगरू कुछ सोचने लगा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ कहते क्यों नहीं मंगरू, अगर कोई बात है तो हमें बताकर मन हल्का कर लो। नहीं, शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर वो क्यों? अगर असल में बढ़ई कुछ करने की कोशिश करेगा तब आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं बढ़ई पर अब भी भरोसा रखना चाहता हूँ और यदि कोई दिक्कत आई तो उसका असर गांव पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो मंगरू। सब अपने घर चले गए और मंगरू गांव में दूध बांटने निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। बढ़ई कुएं के पास एक बाल्टी में कुछ लेकर खुद से बातें कर रहा था। आया बड़ा मेरा धंधा चौपट करने वाला। लोगों का नेता बनने का बहुत शौक है ना। ये सारा केमिकल डालकर इस पूरे दूध को खराब कर दूंगा, फिर देखते हैं। बढ़ई पूरी बाल्टी कुएं में खाली करने लगा। तभी अचानक उस कुएं के ऊपर वही सुंदर जल कन्या प्रकट हो गई। इस दुनिया में कर्मों का बड़ा खेल है। चाहो या ना चाहो, जान कर करो या अनजाने में, पर कर्म करे बिना जीवन नहीं चलता। कौन हो तुम और कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे करो, वरना खराब कर्मों का प्रतिफल बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, कौन देगा मुझे सजा? तुम्हारी भ्रष्ट सोच और कर्मों का बस एक ही उपाय है। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी और तुम खुद का भार भी नहीं उठा पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को ये दिक्कत है वो कैसे झेलते हैं। और ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई इंसान जो कि बिल्कुल भी भ्रष्ट ना हो और नेक हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारी करतूतों को जानकर भी तुम्हें माफ कर दे। तभी बढ़ई अचानक से किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिर गया और जल कन्या वहाँ से गायब हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मंगरू तभी सोमनाथ के साथ वहाँ पहुँचा और देखा कि बढ़ई किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिरा हुआ है। अरे भाई बढ़ई, ये क्या हुआ तुम्हें? भैया बचालो, मुझे माफ कर दो, इस श्राप से मुक्त कराओ। पर तुमने ऐसा किया क्या है? वो बढ़ई रोते रोते सारी बातें बताता है। सोमनाथ बड़े गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम माफ करने योग्य बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हें ये समझना होगा कि भ्रष्ट होने के कारण तुम्हें ये श्राप मिला है। लोगों की पीड़ा का फायदा तो तुमने उठाया ही, पर जब वो पीड़ा से दूर होने लगे तो तुमने फिर उन्हें उसी पीड़ा में झोंकने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, जब खुद पर बीत रही है
तब समझ आ रहा है मेरे बाबा लोगों की इतनी मदद क्यों करते थे। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए। तभी बढ़ई ठीक हो गया और हाथ जोड़कर मंगरू को प्रणाम करने लगा। इस घटना के कुछ ही सालों बाद गांव की ये पुश्तैनी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई।